Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. बुआ बैठो. बोलो. डरो मत साहब, भाल मानुआ से इन्हें सब कुछ बता दो, ये तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे. ऑल वेल ईशान? नहीं यार, आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. चल मार यार, तेरा केस हैंडल करने के लिए मेरे पापा है ना. मेरा केस? मैंने क्या किया? सब उन लोगों ने मेरे बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ, और सब वो लोग मुझे मेरा बच्चा वापस ही नहीं कर रहे. सब कौन लोग? तुम्हें भय ना पापा, तसल्ली से बताओ क्या हुआ. सब एक साल पहले एक आदमी ने मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और पेट से कर दिया, और सा उसके बाद छोड़कर भाग गया. मैं पेट से, वो तो भला अनाथ आश्रम वालों का, जिन्होंने मेरी हालत देखकर पहले तो मुझे रहने को छत दी और फिर मेरे बच्चे श्यामल को पैदा करने में मेरी मदद की. लेकिन सर, बच्चा पैदा करने के बाद मैं श्यामल को लेकर अकेले कहाँ कहाँ भटकती. तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं श्यामल को उनके पास ही छोड़ दूँ, और जब उसकी परवरिश के लायक पैसे जोड़ लूँ तो श्यामल को वहाँ से लेकर चली जाऊँ. इसीलिए सर, मैं श्यामल को वहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आई. वो वहीं रहता था सर, और मैं दिन रात मेहनत करती थी ये सोचकर कि सब चार पैसे जोड़ लूंगी तो अपने बच्चे को अपने पास ले आऊंगी सर. और सर, बीच बीच में मैं उससे मिलने भी चाहती थी, लेकिन इस बार मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अंदर जाना तो दूर, मुझे अपने बच्चे से मिलने भी नहीं दिया साहब. और जब मैंने श्यामल के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई श्यामल नहीं रहता. कौन सा अनाथ आलय ये? रंजना बाई तो होनी का. रंजना बोर ठाकुर? हाँ भाई. देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई. तुम जानती भी हो किस पर इल्जाम लगा रही हो. रंजना और उसके पिता की बहुत इज्जत है, और वो तुम्हारा बच्चा क्यों लेंगे? वो तो खुद अनाथ आश्रम चलाते हैं और गरीब बच्चों और औरतों की मदद करते हैं. साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब. आप चाहे तो मेरे पेट में चीरा देख लीजिए. मैंने अपने श्यामल को आज से 6 महीने पहले उसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था मैंने अपने बच्चे को साहब, और मैं बीच बीच में उससे मिलने जाती थी साहब. लेकिन इस बार उन लोगों ने मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया साहब. साहब मेरी मदद साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, आप मेरी मदद करो. हमारी खाकी वर्दी के अंदर भी इंसान छुपा होता है मैडम. ये वर्दी बगैर पढ़ाई लिखाई की तो मिलती नहीं है. प्रोफेशन की डिमांड है कि ज़्यादातर तो समय अपराधियों और खूनियों के साथ बिताना पड़ता है. एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि उनके साथ सलीके से बात नहीं की जाती. नहीं तो लाइफ के सलीके हम में भी कूट कूट कर भरे हुए हैं. वेल, आई एम इम्प्रेस्ड ऑफिसर. थैंक यू. मैं यहाँ अपने जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आया. जिस तरीके से उन्होंने आपके फादर और भाई से बात की. या, दैट वाज टू मच. आई नो. दरअसल वो लोग ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो आपके फादर और भाई को अक्यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपना काम कर रहे हैं. क्योंकि अगर ऐसा होता तो झुमकी की कही हुई बात पर हम बहुत पहले FIR लिख चुके होते. लेकिन रंजना जी, मुझे भी यही लगता है कि ये लड़की झुमकी या वट एवर नेम इज झूठ बोल रही है, और हम भी इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहते हैं. क्योंकि अगर प्रेस तक बात पहुंच गई
तो आप जानती हैं, आप जैसी इंपॉर्टेंट फैमिली को बदनाम करने के प्रेस हमेशा पीछे पड़ी रहती है। आपकी ये बात सुन के तो मैं आपसे और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम पहले क्यों नहीं मिले? मौका ही नहीं मिला। एनीवेज, आई नो कि आप जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने इंपॉर्टेंट आपका टाइम भी है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। बस एक रिक्वेस्ट लेकर आया था, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए, हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। मुझे आपके अनाथ आश्रम में रजिस्टर्ड बच्चों की लिस्ट चाहिए थी। मुझे जानना है कि पिछले 6 महीने में यहाँ कितने बच्चे आए, कौन कौन आए। इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि झुमकी आप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। समझिए, आपका काम हो गया, कल आपके थाने में वो लिस्ट पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। रंजना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि उसकी गुनाह की दुनिया किसी भी तरह से किसी को नजर ना आए, लेकिन आसाम पुलिस ने तय कर लिया था कि वो इस गुनाह के अंधेरों में रोशनी का सुराख जरूर खोज निकालेगी, और उनके विश्वास, उनकी तत्परता, उनकी कोशिश और खोजबीन रंग लाए। और आखिरकार सर्च वारंट जारी हो गया और गार्ड जो कि पहले रंजना के लिए काम कर रहा था वो सरकारी गवाह बन गया। लेकिन क्या आसाम पुलिस को अपनी मंजिल मिल गई थी? क्या सस्पेंडेड इंस्पेक्टर साइकिया पर लगे चार्जेस हटा लिए जाएंगे? हेलो सर, या तो होल बच्चा से। धन्यवाद, तुमने सही टाइम पर हमें ट्रक का नंबर बता दिया, नहीं तो पता नहीं उन मासूम बच्चों का क्या होता। टेक द चार्ज। थैंक यू सर। ट्रक ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया है रंजना मैम, तो आप भी शराफत से सच बता दीजिए। ये तो आपको याद ही होगा जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पूरा टाइम खूनियों और अपराधियों के साथ बिताते हैं या फिर उनकी खोज में, पर इसलिए सारे मैनर्स भूल जाते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, खुद सच बोलेंगी या फिर उगलवाएं आपसे। हाँ, मैंने बच्चों की इलीगल अडॉप्शन को अपना बिजनेस बना लिया था। बहुत पैसा कमाया ना ये गैर कानूनी धंधा करके। सीधे सीधे बताओ कि और कौन कौन शामिल था इसमें तुम्हारे साथ, बोलो। सर, मेरा वकील, डॉक्टर और डीसीपीओ। मैं बच्चों के इलीगल पेपर्स बनवाती थी, मेरा वकील उन पेपर्स को रेडी करता था, और डॉक्टर अनाथ आश्रम में ही बच्चों की डिलीवरी का बंदोबस्त। हम बच्चों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी अनाथ आश्रम में ही बना लिया करते थे डॉक्टर की मदद से। और वो डीसीपीओ? सर, वो असहाय गरीब बच्चों को मेरे पास भेज देता था जिन्हें मैं बेच देती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़े से पैसों के लिए बैठ गया था और रंजना की बातों में आ गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, मतलब मालूम है इसका? चाइल्ड यानी बच्चा और प्रोटेक्शन यानी उसकी सुरक्षा करना, और तूने बच्चों को बेच दिया। मैं रंजना के लिए इलीगल पेपर्स रेडी करता था ताकि बच्चे लीगल तरीके से एडॉप्ट किए जा सके और किसी को शक ना हो। अभी हाल फिलहाल में जिन जिन बच्चों के नकली पेपर्स बनाए हैं सबके नाम बोल फटाफट। छोटू, गणेश, रिद्धि और सोहम, इन सभी बच्चों को ढूंढो और कोर्ट में पेश करो। सर, प्लीज, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। ईशान, मुझे बात करनी है, और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम उतने बड़े हो गए हो कि ये बातें समझ पाओ। मैं मानता हूँ हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें इलीगली अडॉप्ट किया, लेकिन वो इसलिए कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था बेटा। हमारी मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे हमारे घर को एक चिराग दे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी और दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इतना बड़ा कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि
कि बच्चा एडॉप्ट करते हैं, लेकिन उस एडॉप्शन की प्रोसेस को भी 2 साल लग जाते हैं बेटा, इसलिए हम नहीं है। We are sorry. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।